अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शहजाद, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। जी हाँ, फाइनली मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। काफ़ी टाइम से मैं व्लॉगिंग के बारे में सोच रहा था, काफ़ी वीडियोस वगैरह मैं यूट्यूब पे देखता हूँ। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। 9 to 5 जॉब करता हूँ, उसके अलावा ट्रैवलिंग का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है, काफ़ी ट्रैवलिंग कर भी चुका हूँ। और अब जो भी मज़ीद आने वाले वक्तों में ट्रैवलिंग करूँगा, कोशिश होगी कि आप लोगों से वो शेयर करूँ, उसकी वीडियोज़ बनाऊँ, व्लॉग बनाऊँ, और वीज़ा प्रोसेसिंग के बारे में जो भी मैं इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, पहली वीडियो है तो इसमें कुछ गलतियाँ होंगी, उम्मीद है कि आप उनको इग्नोर करेंगे। असल में हो ये रहा है कि कल भी बना रहा था वीडियो, तो छोटे छोटे शॉट लगता आसान है, लेकिन अब जब बनाने लगा हूँ, छोटे छोटे शॉट बना रहा हूँ, हो ये रहा है कि असल में सब्ज़ी वाला जो है वो वैसे आता है 9 बजे 9:30 बजे, आज 12 बजे का टाइम हो रहा है और अभी तक तकरीबन इधर ही लग रहा है कि वह सारी सब्ज़ी बेच के जाएगा। 3-4 चक्कर उस भाई ने यहाँ पर लगा लिए, तो थोड़ी सी आवाज़ वहाँ से भी आ रही है, लेकिन बस खैर है, सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, उम्मीद है कि सेट हो जाएगा आने वाले वक्तों में। ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा मुझे शौक़ है, काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ और आगे आने वाले वक्तों में जो भी ट्रैवल करूँगा उसकी वीडियोस अपलोड करूँगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा कि सस्ता ट्रैवल हो और आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन आए, तमाम एयरलाइन के टिकट से, टिकट के हवाले से, वीज़ाज़ के हवाले से। अभी थाईलैंड का वीज़ा मेरा आ चुका है, मलेशिया का वीज़ा मैंने ई वीज़ा अप्लाई किया है, जो कि 48 आवर्स का उसका टाइम होता है, 48 घंटे में वो वीज़ा मिलता है, ईमेल के थ्रू मुझे मिलेगा। तो उसका पूरा एक वीडियो बना के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि किस क्या इनका प्रोसीजर है, किस तरीके से वीज़ा मिलता है। आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। चैनल जो बना रहा हूँ उसके लिए एक वीडियो मैं बना रहा हूँ प्रोमो की, तो आज आया हुआ था यहाँ पर, तो ये व्यू मैंने देखा तो मैंने सोचा ये व्यू भी इसमें ऐड कर दूँ। उम्मीद है आपको ये व्यू पसंद आएगा। थैंक यू। एक और सब्ज़ी वाला आ चुका है, इससे पहले कि ये बहुत करीब आ जाए अपनी वीडियो का अहतमाम करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि रबते में रहेंगे, इंशाल्लाह एक दूसरे को फ़ायदा देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।